नमस्ते, पूजाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की इंस्टेंट खांडवी। इंस्टेंट बनती है और ये हम बनाएंगे कुकर में। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है कि मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1 कप खट्टा दही लिया है, 2 कप पानी लिया है, ये हरी मिर्च अदरक लहसुन की पेस्ट है, हल्दी, नमक, हींग, राई जीरा, करी पत्ता, खोपरे का खीस, हरा धनिया और तेल। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पतीली में ये दही का मिश्रण ले लेंगे, फिर इसे हम अच्छी तरह से क्वेट लेंगे। दही के बदले आप खट्टी छाछ लेंगे तो वो भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम ये 2 कप पानी जो हमने लिया है वो ऐड कर देंगे। अब इस मिश्रण में हम ये 1 कटोरी जो हमने बेसन लिया है उसको ऐड कर देंगे। फिर उसे भी हम बीटर से एक साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इस तरह हमारा बेसन इसमें मिक्स हो गया। अब इसमें हम ये जो अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट था उसमें हम डाल देंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इस मिश्रण को हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स रहे या अदरक, हरी मिर्च जो हमने रखा है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारा बेटर एकदम स्मूथ हो जाए। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देती हूँ, 1 टीस्पून नमक डाल, अब इस मिश्रण को हम क्या करेंगे कुकर में रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से कुकर ले लेंगे, उसके अंदर हम ये रिंग लगा देंगे, फिर उसमें हम पानी ऐड करेंगे, लगभग 1 ग्लास के लगभग पानी है। और हमारा जो बैटर था इसमें हम डाल के ऐसे रख देंगे, ये वाला जो बैटर है ऐसे हम छोटी पतीली में डाल के ये पतीला हम कुकर में अच्छी तरह से रख देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें कुकर में रख के ढक्कन लगा देंगे। अब इसकी हम 6 सीटियां लेंगे। अब एक कुकर की हमारी सीटी आए जब तक अपन क्या करेंगे, इसे 2 थालियां लेके इसे इस थालिये को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम कुकर की 6 सीटी आने का इंतजार करेंगे। हमारी आखिरी सीटी हो गई है। इस घोल को मैंने कुकर से निकाल लिया है, देखिएगा इस तरह से हमारा ये घोल होगा। इसे चम्मच से उठाएंगे तो एक डिजाइन तैयार हो जाती है, तो समझ लेना कि हमारा ये घोल तैयार हो गया। अब इस घोल को 5 मिनट ठंडा होने के बाद हम थाली पे इसको लगा लेंगे मिश्रण में। 5 मिनट के बाद हमारा ये मिश्रण ठंडा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस थाली पे ऐसा इसको मिश्रण को डाल लेंगे। फिर इसको फैला लेंगे, बिल्कुल पतला पतला फैला लेंगे। मैंने इसको 6 सीटियां ली है, आप खोल के देखना, आपको अगर ये मिश्रण पतला लगा तो 1/2 सीटी ज्यादा लिए तो भी चलता है।
इस तरह मैं दूसरी थाली पे भी लगा के ले लेती हूँ। इसी तरह से मैं दूसरे थाली में भी फैला लेती हूँ। इसे फटाफट करना चाहिए, गर्म है जब तक, ताकि इसमें गुठलियां लम्स कुछ भी ना पड़ सके। बिल्कुल पतला पतला लगाना चाहिए। इस मिश्रण को हम 10 मिनट सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे खांडवी का मिश्रण बिल्कुल ही सूख चुका है। अब इसके हम लंबी पट्टियां काट लेंगे। इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे नाजुक हाथों से हम इसका रोल बना लेंगे। हम इसके पूरे रोल बना लेंगे। तो इस तरह हमने ये रोल कर लिए। अब इसे हम ऊपर से बंगार देंगे। अब इसमें हम ऑयल गरम कर लेंगे। मैंने ऑयल गरम रख दिया। अब इसमें मैं राई के दाना ऐड करूंगी। राई अच्छे से क्रैकल होने के बाद फिर उसमें हम जीरा ऐड करेंगे। अब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, फिर उसमें हम हींग डालेंगे, फिर ये सूखी लाल मिर्च डालेंगे। फिर उसमें हम 10-12 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। इस तरह से हम इसकी बगार तैयार करेंगे। और ये बगार हम खांडवी के रोल पे ला देंगे। गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब ये बगार हम इस खांडवी पे डाल देंगे। उसके बाद उस पर हम ये सूखा नारियल तो सजा देंगे इसमें, और ये हरा धनिया। तो इस तरह से बनके तैयार हो गई हमारी इंस्टेंट बेसन की खांडवी। आपको मेरी ये डिश कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना। मेरे डिश को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।